तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है एक व्हील एंड इस पे लिखे हैं मेरे यूट्यूबर दोस्तों के नेम्स। एंड जब भी मैं इसको ऐसे स्पिन करूंगा तो एक यूट्यूबर का नाम आएगा एंड हमें उस यूट्यूबर को ड्रॉ करना होगा, वो भी बिना उसकी फोटो देखे। ओके, इट्स टाइम टू स्पिन द व्हील। एंड इस व्हील पे लिखे हैं 12 यूट्यूबर्स के नेम, जिनमें से हम लोग 5 को ड्रॉ करने वाले हैं आज। देखते हैं अपना पहला यूट्यूबर कौन है, लेट्स सी। मिथपैट, इस चैलेंज को और डिफिकल्ट बनाने के लिए मैं इन यूट्यूबर्स को ड्रॉ करने वाला हूँ विद माय कंप्यूटर माउस, जबकि मेरे पास ड्राइंग टैबलेट भी है बट मेरे को पेन पसंद है। यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन कर लिया है एंड इसके अंदर हम लोग मिथपैट को ड्रॉ करने वाले हैं। रिमेम्बर, मैं उनकी फोटो बिल्कुल भी सर्च नहीं कर सकता, इसका मतलब मुझे अपने ब्रेन से बनाना पड़ेगा, अपनी मेमोरी से। ओके, तो मिथपैट के पहले हम लोग बाल बनाते हैं एंड पूरा जोक ही ये कि उनके बाल सेट नहीं होते, तो जितने मुझे याद है उनके बाल कुछ इस तरीके से रहते हैं हर वीडियो में। देन उनकी बहुत ही ऐसे अच्छी सी जॉ लाइन है, मतलब मैं बहुत ज्यादा जेलिस होता हूँ, मेरी देखो जॉ लाइन है ही नहीं, जॉ लाइन के नाम पे मजाक है, बिल्कुल परफेक्ट जॉ लाइन है उनकी। कान भी बना दिए हम लोगों ने, आईब्रोज थोड़ी सी उनकी मोटी है ना, इस तरीके से। ओके ओके गाइस, मैं रियल लाइफ में बहुत अच्छा ड्रॉ करता हूँ, ये देखो मेरी कुछ ड्रॉइंग्स शो हो रही होंगी स्क्रीन पे, बट माउस से ड्रॉ करना इज 100 times मोर डिफिकल्ट। नोज उनकी कुछ इस तरीके से है, ज्यादा मुझे याद नहीं है। ओके, उनके लिप्स में उनके लोगो जैसे बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, इस टाइप के ना, ऐसे ही है कुछ। आंखें मुझे इतनी याद नहीं है, आंखें मुझे इतनी याद नहीं है, बट जितना मुझे याद आ रही है तो वो कुछ इस टाइप की है। ओ माय गॉड, मार पड़ेगी। ओके, अब बालों का थोड़ा सा कलर करते हैं। ये आ गए बाल, गर्दन उनकी काफी लंबी है जितना कि मुझे याद है, और कपड़े वो एक ही ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनते हैं। हम यूट्यूबर लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा आलसी होते हैं गाइस, हम लोग कुछ कपड़े वपड़े लेते ही नहीं है, एक ही टी शर्ट में वीडियोस बनाते हैं सब। बॉडी बॉडी काफी अच्छी बनी हुई है उनकी। ये मिथपैट कम और वो हैंडसम स्क्विडवर्ड मीम नहीं है वो लग रहे हैं। ओके, अब स्किन में कलर करना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। ओके, स्किन के अंदर कलर हो गया, ब्लैक टी शर्ट कर देते हैं। थोड़ा सा बालों के लिए हल्का कलर करना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा इस टाइप का, हाँ चल जाएगा। टी शर्ट पे उनका लोगो भी बना देता हूँ ऐसे करके, ऐसे। लेट्स गो, आवर मिथपैट इज रेडी। ओके, अब मिथपैट की फोटो को हम लोग रिवील करते हैं। ओके, या काफी सिमिलर है एक्चुअली। मैं बाल और नोज तो मैंने एकदम नेल कर दिए भाई, पर जो लिप्स का है ना, वो थोड़े से और बड़े करने थे। आई थिंक मैं अपने आप को स्कोर देने वाला हूँ इस पे। जाओ जाके आप लोग मिथपैट भाई को टैग करो, उनको दिखाओ ये ड्राइंग, देखते हैं वो मुझे कितनी गालियां देते हैं। एंड देखते हैं अपना अगला यूट्यूबर कौन है, लेट्स सी। मैं, ये तो चीटिंग हो जाएगी ना, क्योंकि मैं अपने आप को तो कैमरे में देख पा रहा हूँ। ओके, सबसे पहले तो मैं कैप पहन के हमेशा रखता हूँ, क्योंकि मेरे बाल सेट होने का नाम नहीं लेते, कैप बना लेता हूँ यहाँ पे। वो पुरानी 10 साल पुरानी कैप है मेरी, मेरी कोई जॉ लाइन नहीं है, मेरा राउंड मुंह है काफी। कान बना लेते हैं अपने, लोगों को लगता है मैं कैप लगाता हूँ क्योंकि मेरे बाल जा रहे हैं गाइस, ये देख पूरे बाल है भाई, पूरे बाल है, काफी ज्यादा बाल है, कुछ ज्यादा ही बाल है, कम होने चाहिए थोड़े। कोई भी कॉमेंट्स पे एल्बिडो घंजा कॉमेंट नहीं करेगा, ठीक है, जिसने किया सबको चैनल से बैन। उसके बाद मेरी नाक काफी बड़ी है, नाक से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसी है मेरी नाक। ओके, लिप्स कुछ इस तरीके से है, आईब्रोज भी काफी मोटी है मेरी, आंखें काफी बड़ी हैं भाई मेरी, पर ऐसे ना झुकी हुई है, जाग जाग के मैंने डार्क सर्कल्स की तो ऐसे पार्टी करवा दी आंखों के नीचे। उसके बाद मैं अपनी टी शर्ट बना लेता हूँ। ओके, ये मेरी जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ओ, मैं अपने हेडफोन तो डालना भूल ही गया गाइस, आपको पता है कि मेरे कान नहीं है, मैं हेडफोन इसीलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरे कान है ही नहीं। इस वीडियो पे 15,000 लाइक्स एंड मैं अपने कान रिवील कर दूंगा। ओके, अब कलर करते हैं। ओके, ये आ गई मेरी कैप, देन मेरे बाल काफी ज्यादा ब्लैक हैं। टी शर्ट मेरे पास कौन सी करता हूँ, टी शर्ट मैं येलो कर देता हूँ अपनी, मेरी चेयर के बगैर तो मेरा सेटअप कंप्लीट होगा नहीं। एंड मैं रेडी हूँ, ओके लेट्स सी इट। नहीं, मैं अपने आप को पॉइंट नहीं देने वाला। सबसे पहले तो ना यहाँ भर भर कैसे दाने कर दो, पता नहीं पिंपल्स को क्या मुझसे मोहब्बत है जो जाते नहीं मेरे मुंह से। उसके बाद अब देखो गाइस, मेरी दाढ़ी आ रही है, ठीक है, मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ दाढ़ी भी आएगी, ठीक है, यहाँ दाढ़ी आएगी कुछ इस तरीके से। कुछ दिनों में इतनी बड़ी हो जाएगी दाढ़ी, देख बंदा ख्वाब तो देख ही सकता है ना। तो अपनी ड्रॉइंग के लिए मैं अपने आप को पॉइंट्स नहीं देने वाला, चलते हैं अगले यूट्यूबर की तरफ। ओके, लेट्स स्पिन द व्हील, देखते हैं कौन सा यूट्यूबर हमें मिलता है। प्लीज, इजी वन, एंड्रू बी।
ओके गाइस, मैं आपको इसी से रिलेटेड एक फनी स्टोरी बताता हूँ। ओके, तो मैं ऐसे ही बाहर कहीं घूम रहा था एंड मेरे को काफी ज्यादा फैंस मिले। उसमें से मेरा एक फैन मुझे बोलता है कि आप तो वही हो ना। मैंने बोला हाँ मैं वही हूँ, मैं जानता हूँ आप कौन हो। मैंने बोला हाँ तू जानता है मैं वही हूँ। वो कहता है मुझे पता है आप एंड्रयू भी हो ना। तो फॉर सम रीजन एंड्रयू भी एंड मेरे को लोग भाई समझते हैं। नहीं है ऐसा, एंड्रयू भी के बाल का भी मेरे बालों वाला ही प्रॉब्लम है, सेट नहीं होते। एंड वो भी हेडफोन लगाए रखता है, उसके भी कान नहीं है। गाइस उसको जाके बोलो अपने कान रिवील करे यार। उसकी एक जॉ लाइन तो है, मैंने देखा उसकी अच्छी जॉ लाइन है, ऐसी टक ऐसे करके है ना। नोज मैंने इतना, मैं इतना ध्यान से नहीं देखता, बट वो हंसता बहुत है। वो उसके सारे थंबनेल्स में वो ऐसे हा हा ऐसे वाला होता है ना, वो बनाता हूं। ओके, मैंने टीथ बना दिए हैं, या कह सकते हैं टीथ बनाने की नाकाम कोशिश कर दी है कि उसकी आंखें बना देते हैं। फन फैक्ट, एंड्रयू भी और मैं एक दूसरे को तब से जानते हैं जब उसके आई थिंक 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे एंड मेरे लिटरली सिर्फ 12,000 सब्सक्राइबर्स थे। ओके, आई थिंक एंड्रयू भी को तो बड़ी आसानी से मैंने बना लिया है यार। ये एंड्रयू भी से ज्यादा ट्रिगर्ड इंसान ज्यादा नहीं लग रहा। ओके, बालों में कलर कर देते हैं इसके भी, वो भी ब्लैक टी शर्ट ज्यादा पहनता है। स्किन में कलर कर देते हैं, लेट्स गो। चश्मे में कलर कर देते हैं, उसके पास भी ब्लैक हेडफोन है। ओके, व्हाट एंड आई थिंक आर एंड्रयू भी इज डन। टन टन, ये कुछ भी एंड्रयू भी जैसा नहीं दिख रहा। लेट्स रिवील एंड्रयू भी इस फोटो। नहीं, एक्चुअली उसके बाल सेट रहते हैं, मैंने उल्टा बोल दिया था। उसके बाल तो काफी ऐसे अच्छी तरीके से सेट हैं एंड उसकी शक्ल बहुत मासूम सी है। वो छोटा बच्चा लगता है लिटरली मेरी तरह। मैंने उसको ऐसे या बड़ा बना दिया कोई। इस फोटो पे मुझे प्यार आ रहा है और इस फोटो पे मुझे डर लग रहा है। तो अगेन मैं अपने आपको पॉइंट्स नहीं देने वाला, इस पे चलते हैं नेक्स्ट यूट्यूबर की तरफ। ओके, लेट्स स्पिन द व्हील। सेकंड लास्ट यूट्यूबर कौन सा है अपना? डकी भाई। आई थिंक ये इजिली बन जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को ऐसे बनाना है, उसके बाद हमें ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है। देखो अभी डकी भाई जैसा नहीं लग रहा, कुछ देर बाद लगेगा। उनका मुंह बनाना है उसके बाद, और ये आंखें आ गई, और ये पांव बना देते हैं बड़े बड़े। एंड आर डकी भाई इज रेडी। मैं लिटरली इसके लिए अपने आप को 100 पॉइंट्स देने वाला हूँ। ये इस बेचारी डक को मैंने डायनासोर के पांव दे दिए। ओके, अपना फाइनल यूट्यूबर, लेट्स सी हमें कौन मिलता है। टॉमी इनिट। ओके, टॉमी इनिट को बनाना भी मुझे लगता है काफी आसान है। सबसे पहले तो उसके बाल ऐसे ना हर जगह होते हैं, मतलब लिटरली जितने मेरे खराब है ना उतने उसके खराब होते हैं। एक टाइम में मैं टॉमी इनिट को इतना देखता था माइनक्राफ्ट को, मतलब ऐसे फनी वे में दिखाने की इंस्पिरेशन मेरी वही था। उसके हेडफोन ऐसे गोल गोल जैसे होते हैं एंड लाइक उसकी टी शर्ट तो काफी ज्यादा, मतलब सबको ही पता है वो कैसी टी शर्ट पहनता है। ओके, ऐसी करके टी शर्ट है ना उसकी। हाँ, ऐसे या तो वो चीख रहा होता है हमेशा या हंस रहा होता है। तो ऐसे मैं उसका मुंह खोल देता हूँ। आंखें ऐसी ब्लू कलर की हैं, ब्लूइश आंखें हैं उसकी। लाइक मैं कभी कभी इतना जेलिस होता हूँ ना, मतलब गॉड ने बाहर के ऐसे लोगों को ब्लू ग्रीन ऐसी वैरायटी आंखें दी हैं और यहाँ सबकी ब्लैक ब्राउन बस यही होते कलर्स। अभी मेरी ब्लू आंखें होती, हर लड़की का क्रश आया होता मेरे ऊपर। टी शर्ट में तो उसकी ऑब्वियसली यहाँ पर रेड होगा। आई थिंक आर टॉमी इनिट इज डन। देखते हैं कि क्या मैंने टॉमी इनिट को सही तरीके से बनाया है। आई थिंक यस। इवन उसकी वो यहाँ पे जो वो लाइन्स है ना वो भी मैंने बनाई है। आई थिंक इसके लिए मैं पॉइंट डिजर्व करता हूँ। एंड इसी के साथ आज की वीडियो का एंड होता है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन पांचों ड्राइंग्स में से आपकी सबसे फेवरेट ड्राइंग कौन सी थी वो भी मुझे बताना। सब्सक्राइब का बटन दबा दो बिकॉज वी आर सो क्लोज टू 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए पीस एंड लव, बाय बाय।